140 रुपए सोए, 160 रुपए सोए, 250 रुपए सोए, 280 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, ये 300 रुपए सोए, 380 रुपए सोए, ये जयपुर का अड्डा है, ये 400 रुपए सोए, ये 350 रुपए का चरखा पड़ेगा। चाहो जितनी हैवी, चाहो जितनी हैवी पतंग डालो इससे, बाज की शेप की पतंग यहाँ पे मिली है और देखिए कम से कम 3 से 4 फुट का। दोस्तों जयपुर में कुछ त्यौहार बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, बट अब मौसम आ चुका है जयपुर की पतंगबाजी का। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ जयपुर के सुप्रसिद्ध, जयपुर के नहीं पूरे भारत के सुप्रसिद्ध, जयपुर के हांडीपुरा मार्केट में, जो कि एक पतंगों का हब माना जाता है। आप मेरे पीछे जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे वहाँ तक आपको पतंगे ही पतंगे नज़र आने वाली है। नमस्कार, श्री श्रीकाल खमांगड़ी, मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर जयपुर, लेके आ चुका हूँ एक नई यूट्यूब वीडियो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जयपुर की बेस्ट पतंग मार्केट और जयपुर का सबसे बढ़िया मांझा आपको कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए शेयर और लाइक, ताकि आपको जयपुर के बारे में अनएक्सप्लोर कंटेंट जो है मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहे। आज मैं आ चुका हूँ हाजी अब्दुल अमीन मोहम्मद इकबाल पतंग वाले के यहाँ पर, जो कि रामगंज बाजार में काफ़ी फेमस दुकान है। हर तरीके की वैरायटी, हर तरीके के मांझा आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाला है। तो दोस्तों बिना देरी के चलते हैं अंदर और हम देखते हैं कि हमको कौन कौन सी वैरायटी, जो कि ये भैया बता रहे बहुत ही ज़्यादा वैरायटी इनके पास अवेलेबल है। दोस्तों बिना देरी के चलते हैं अंदर और करते हैं एक्सप्लोर। दोस्तों आप जहां तक भी नजर दौड़ाएंगे, देखिए आप मेरे पीछे हर तरीके की वैरायटी आपको पतंगों पे यहाँ पे मिलने वाले, कागज से लेकर पन्नी तक, और डिजाइनर भी पतंगे आपको जो हाजी अब्दुल जी की दुकान है उस पर मिल जाएगी। इवन जो कॉन्टेक्ट नंबर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको भी ऑर्डर करनी हो या यहाँ पे आना हो तो आप एड्रेस देख के आ सकते हैं। आप देखिए कितनी ह्यूज वैरायटी यहाँ पे पतंगों की आपके पास अवेलेबल मिल जाएगी। और अभी हम एक एक करके भी जानेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी और कौन कौन से जो मांझे हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल और किस किस की कितनी कितनी प्राइस है। तो दोस्तों अभी जो हम पतंग के बारे में बात करने वाले हैं, देखिए ये थोड़ा सा कपड़े टाइप की पतंग है, ये पन्नी टाइप की पतंग है, और जब ये बनेगी पूरी तो एक बार बाज का शेप ले लेगी। भैया एक बार बना के दिखाइए पतंगे वाली, ये देखिए इसकी जो शेप है, इसको बनाने की जो टेक्निक है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें जो ये स्टिक्स वगैरह हैं ये प्रॉपर तरीके से सेट करते हैं, और ये सेट करने के बाद देखिए यहाँ पे खांचे रहते हैं, इसमें आपको सेट करना रहता है और जो पतंग है वो अपनी शेप में आ जाती है। अब देखिए ये इसमें लगा और इसमें ये वाली चीज़ यहाँ पर लगी, देखिए, और ये बन चुकी है अभी बाज की प्रॉपर शेप की पतंग। देखिए इसकी जो पूंछ है ये यहाँ पे आ जाएगी, मतलब आपको एक एक इक्विपमेंट है, अभी जो स्टिक्स है 3 से 4 स्टिक्स वो आपको ऐड करनी पड़ेगी, एक बार ऐसे बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों ये बन चुकी है बाज की पतंग, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है और कितना डिफरेंट आइटम आपको जो हांडीपुरा में देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। एक बार ऐसे दिखा दीजिए, ये देखिए कम से कम 3 से 4 फुट इसकी लेंथ होगी और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पतंग आपको सिर्फ हांडीपुरा में ही मिलने वाली है, बाज की पतंग। तो अब वो घड़ी आ चुकी है जिसको सबका इंतजार रहता है कि पतंगे कितने कितने रुपए की हैं, कहाँ से स्टार्टिंग होती है और सबसे ज्यादा पतंगे की रेट कितनी है और कौन कौन से मांझे यहाँ पे अवेलेबल है। आज हमारे साथ है वापिस से शकील जी, और शकील जी से हम जानेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी इनके पास अवेलेबल है। A to Z सारी वैरायटी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को करना है शेयर, लाइक और करना है कमेंट कि आपको कौन कौन सी पतंगे अच्छी लगी है। तो शकील भाई को अब मैं माइक हैंड ओवर करने वाला हूं और अब शकील भाई बताएंगे कि कौन कौन सी वैरायटी यहां पे आपको अवेलेबल होने वाली। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इनका कार्ड है शॉप का, जब भी आपको पतंग लेनी हो या आपको यहाँ पे आना हो, ये तो पूरा एड्रेस है और इनके जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी अवेलेबल है। एक बार मैं आपको दूसरी साइड से भी पलट कर दिखा देता हूँ, देखिए ये है और यहाँ पे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सभी होलसेल की रेट बताने वाला हूँ। ये देखो एक ही सबसे स्मॉल साइज होता है, इसे कहते हैं 4 वाली पन्नी का साइज। ये हमारे यहाँ से 75 रुपये की पतंग होलसेल में मिलती है, 75 रुपये की एक पतंग पड़ती है, 75 रुपये की 100, और आगे आकर के इसका कॉलोनी रिटेल प्राइस होता है 2 रुपये। एक ही बड़ी साइज में आती है, ये 24.5 साइज की पतंग होती है, यहाँ से 100 रुपये की 100 पड़ती है, और आगे आकर के रिटेल प्राइस ये सीधी 2 रुपये 3 रुपये में आगे आकर के कॉलोनियों में बिकती है। एक ही 27.5 में होता है, इसी तरीके से साइज बढ़ती जा रही है और पतंग की लेंथ 130 रुपये की पतंग पड़ती है, और यहाँ से आगे आकर के 4 रुपये की रिटेल में बिकती है कॉलोनियों में आकर। एक ही कार्टून वाली पतंग होती है, इसमें 70 तरीके के कार्टून आते हैं, ये अलग अलग प्रिंट होंगे इसमें, 2022 डोरेमोन मोटू पतलू
इसी तरीके की, इस तरीके से सबसे ज़्यादा इसका क्रेज़ होता है पतंग में। ये यहाँ से 140 रुपए की पड़ती है और आगे आकर के 3 रुपए की ये बिकती है। एक ही 240 रुपए की सो होती है, ये होती है झालर, इसे कहते हैं झालर पतंग। इसमें 15-20 डिजाइन होंगे पूरे, सब अलग अलग तरह की, ये 220 रुपए की पड़ती हैं। देखो एक ही आएगी फैंसी पतंग है, इसमें 15 कैरेक्टर होंगे और 15 डिजाइन होंगे, इसे कहते हैं 27.5 साइज। ये पतंग यहाँ से पड़ती है 240 रुपए की सो, और इसका आगे कॉलोनियों का रेट होता है रिटेल प्राइस 5 रुपए। देख सकते हैं कि कितनी ह्यूज वैरायटी यहाँ पे पतंगों की अवेलेबल आपको हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हर तरीके की पतंगों का जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा है, और आपको ये देखिए हर तरीके की डिज़ाइन की हमें पतंगें मिल जाएंगी। जैसे कि देखिए ये वाली आपको मिल जाएगी, और भी कागज़ की जो पतंग है देखिए आपको ये मिल जाएगी। देखिए और भी, मतलब कि आपकी आंखें देखते देखते थक जाएगी, बट यहाँ पे जो पतंगे हैं वो ख़त्म नहीं होने वाली है। पतंगों का एक तरीके से आप भंडार बोल सकते हैं, एक तरीके से जो खजाना है वो पतंगों का आप बोल सकते हैं। हांडीपुरा में फेमस पतंग की शॉप है, देखिए हाजी अब्दुल हमीद मोहम्मद इकबाल पतंग वाले हैं। आप जब देखिए नंबर भी नोट कर सकते हैं, आप नंबर ये रहा, और ये देखिए मांझे की वैरायटी इनके पास है, और एक से ज़्यादा मतलब कि आपको हर तरीके की वैरायटी, मल्टीपल वैरायटी जो है आपको इस शॉप पे मिल जाएगी। एक ही आएगी देखो अपने फैंसी में, इसमें भी 15 कलर होंगे। ये देखो 5 तो आपके सामने हैं, और 5 इसके अलावा और भी होंगे, दिखाना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको वरना दिखा देता। इसमें 15 कलर होंगे, ये 27.5 साइज़ में होती है, 250 रुपए की पतंग पड़ेगी अपने, और ये रिटेल काउंटर पे आकर के सीधी 5 रुपए की बिकती है। सो इसमें भी 15 प्रिंट होंगे पूरे, ये 350 रुपए की सो पड़ती है, और आगे आकर के 7 रुपए 8 रुपए की बिकती है। एक ही वाली झालर में पतंग 27.5 साइज़ होता है, इसमें भी 15 प्रिंट होंगे पूरे, अलग अलग प्रिंट होंगे, ये 350 रुपए की, और आगे आकर के 6 रुपए की प्राइस इसका रिटेल काउंटर पर आराम से बिक जाता है। इसी तरीके में एक ये पौना साइज़ होता है, इसे कहते हैं पौना साइज़, इसमें भी पूरे 15 कलर होंगे। ये पतंग अपनी पड़ती है यहाँ से 450 रुपये की, 450 रुपये की यहाँ से पड़ती है, और ये काउंटर पर आकर के रिटेल में सीधी 10 रुपये की बिकती है। 550 रुपये बंदा इसके आगे आकर के रिटेलर बना लेता है प्रॉफिट के, मतलब 4.50 रुपये के हमसे लेता है और 10 रुपये की वो आगे बेचता है। एक ही मेटल में, ये सिर्फ अपनी शॉप पर ही आपको मिलेगी ये पतंग, हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेगी, इसकी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ये पतंग 450 रुपये की सो है, और इसका 8-9 रुपये का आगे आकर के ये पतंगें बिकती हैं। एक ही झालर वाली पतंग, इसमें भी 15 प्रिंट होंगे, 10-15 प्रिंट होंगे। ये पतंगें यहाँ से 550 रुपये की सो, और 10 रुपये की काउंटर पे आकर के रिटेल में बिकती है। जो बंदा हमसे होलसेल में लेगा कम से कम उसे 100 पतंग लेना पड़ेगी हमसे, और ये पतंग 550 रुपये की पड़ती है और 10 रुपये की सेल होती है आगे रिटेल में। एक ये तावे का रॉकेट, इसे कहते हैं तावे की तुक्कल, तुक्कल भी कहते हैं और इसे रॉकेट भी कहते हैं। इसमें भी 10-15 डिजाइन होंगे पूरे, प्रिंट सब अलग अलग होंगे, इसमें स्टार आ गया एक, इसमें 2022 आ जाएगा, ये रंगोली, बाकी 5-1 कलर इसके अलावा और भी आ जाएंगे। 600 रुपये की सो पड़ती है, इसका साइज़ होता है 45.5 साइज़, 45.5 साइज़ की ये पतंग होती है। ये 700 रुपये की पड़ती है हमारे यहाँ, 700 रुपये की पड़ती है, और 15 रुपये की आगे बिकती है रिटेल में, 15 रुपये की बिकती है। एक इसी तरीके में ये फैंसी पतंग है मल्टी पे, ये चाइना मेटल कहते हैं इसे, ये 750 रुपये का सो है, 750 रुपये का सो है, और 20 रुपये में ये आगे बिकता है। हमारे यहाँ से भी कोई बंदा एक पीस लेता है तो इसको हम कम से कम मिनिमम 15 रुपये का देते हैं, और यहाँ से जहाँ कॉलोनी में बिकते हैं जाकर के वो 20 रुपये की बेचते हैं, हमसे 750 रुपये की होलसेल में खरीदते हैं। लेकिन जो भी भाई हमारे को ऑनलाइन इसका ऑर्डर करे वो कम से कम 100 पीस का करे। एक ये वाला है, ये 45.5 साइज़ पीस का, इसमें आई लव माई इंडिया आ जाएगा, चेक इन मेट आ जाएगा, और 2-3 प्रिंट इसके अलावा और भी आ जाएंगे, 750 रुपये का सो पड़ता है ये।
तो दोस्तों हम जो असली रिव्यू है वो जानते हैं कस्टमर से, और कस्टमर क्यों इस शॉप पे आ रहा है और क्या क्या जो यहाँ पर जो इनको वैरायटी मिल रही है। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र कुमावत। जितेंद्र कुमावत जी। जी तो जितेंद्र जी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको क्या स्पेशल लगता है और कितने सालों से आप हांडीपुरा में इस शॉप पर आ रहे हैं पतंग की शॉपिंग करने। सर मैं फर्स्ट टाइम इस दुकान पे आया हूँ। कैसे आया हूँ ये आप मेरे से पूछिए। मैंने गूगल पे सर्च किया जी, जयपुर काइट के नाम से, जयपुर तो, काइट जी, सबसे ऊपर इन्हीं का नाम आया और उसे 5 रेटिंग देख के मैं इस दुकान पे आया। भाईजान को मैंने कॉल लगाया उनके नंबर पे, ये बोले कि भाईजान आप आ जाइए मेन रोड पे आइए, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं अपना बंदा भेजता हूँ, वो आपको यहाँ ले आएगा जी। उससे पहले ही मेरा एक बंदा था, वो कोई जानकार था, बोले कि मैं सालों से वहाँ से पतंग ढूंढ लेता हूँ, सब आप वहाँ चलिए मेरे कहने पे जी। जब मुझे पता चला मैं यहाँ आया तो मैंने, तो वही नंबर है जो मैंने गूगल से सर्च करके जी, जी, जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो एक कस्टमर जो यहाँ पर जो गूगल पर सर्च करता है तो सबसे जो टॉप पर जो शॉप की रिकमेंडेशन आती है वो आती है हाजी अमित जी की जो शॉप है जो कि रामगंज बाजार में है, हांडीपुरा मार्केट में सबसे पुरानी शॉप है, तभी गूगल पे भी ये दुकान रैंक कर रही है। रात पे ची होती है सब परचेज। तो आपको यहाँ पे सारी वैरायटी मिल चुकी है। बिल्कुल सब वैरायटी मिल चुकी है, मेरे को केवल लिखाना, मुझे ये देना, वो अपने आप निकाल के दे रहे हैं जी। तो आप हमारे दर्शकों को रिकमेंड करने चाहेंगे कि आप इस शॉप पे आए। 100% रिकमेंड करना चाहता हूँ सब। अब बारी आने वाली मांझे की। रहीम भाई अब मांझे के चरखे हाथ में ले लिए हैं और अभी हमको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी वैरायटी के, क्योंकि इतने सारे देखने में तो सब सेम लग रहे होंगे आपको, बट ये सेम है नहीं क्योंकि अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग जो इसमें कलर भी आते हैं और कौन कौन से मांझे का नाम अलग अलग होता है वो अभी हमको रहीम भाई जो है बताने वाले हैं। इन्होंने निकाल लिए हैं और अब हम जानेंगे मांझे के बारे में। हाँ तो भैया देखो हम आपको लेकर चलते हैं अब मांझे की दुनिया की तरफ। वैसे तो काफ़ी कलेक्शन होते हैं हमारे पास मांझे के, लेकिन कुछ सिलेक्टेड आइटम बता दूं जिससे क्या ज़्यादा आसानी रहेगी रिटेलर कस्टमर के लिए भी और होलसेल वाले के लिए भी। ये देखो एक रील का चरखा होता है, अगर इसको होलसेल के अंदर अगर बंदा ख़रीद के यहाँ से ले जा कर के कहीं और सेल करना था तो ये 45 का वन पीस पड़ता है। इसके अंदर 1000 गज माल होता है। फिर इसके बाद में आ जाते हैं हम इससे बड़े चरखे के ऊपर, ये स्पेशल मैदानी के ऊपर होता है, पूरा 1000 गज माल होता है इसके अंदर। ये चरखा 110 रुपये का पड़ता है होलसेल पे लेने के ऊपर, जो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ख़रीदते हैं ना वैसे रिटेल के अंदर ही, रिटेल के अंदर ये 150 का पड़ जाएगा। नहीं, खुले वाले जैसे कि कलर दिख रहा है वो खुल कर, तो कलर तो इसके अंदर काफ़ी आएंगे, हर चरखे के ऊपर 10-12 कलर आते रहेंगे। ठीक है अब ये आ जाओ अपन तीन रील के ऊपर, इसके अंदर 3000 गज माल होता है टोटल। ठीक है ये चरखा पड़ता है 200 रुपये का। अब इसके अंदर थोड़ा स्पेशल के ऊपर आ जाओ, ये थोड़ा इससे हैवी हो गया, बढ़िया में हो गया, ये 240 रुपये का है। अब इसके अंदर और बढ़िया के ऊपर चलोगे ये 250 रुपये का है। कलर सब के अंदर बहुत सारे आ जाएंगे, कोई कलर का इशू नहीं है इसमें। ये अगर ज़्यादा बढ़िया के अंदर जो मैदान वगैरह लड़ाते हैं ना जो लोग, ये उन शौकीन लोगों के लिए होते हैं। ये 280-290 रुपये, इसमें 300 रुपये वाली वेराइटी भी है, अलग अलग चीज़ें होती है मतलब इसके अंदर, है ना। और सबसे ज़्यादा जो काम होता है ना वो देखो उड़ाने वाले का होता है। मंजा चाहे कितना ही बेटर हो, उड़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। ये 6 रील के ऊपर आ गए अपन, ये 6 रील की स्टार्टिंग है 300 रुपये की है। इसके अंदर ये बढ़िया के अंदर लोगे ये 350 रुपये का चरखा पड़ेगा थोड़ा स्पेशल में। अब ज़्यादा बढ़िया पर आ जाओ, ये शन्ना रिजवान का मांझा है, नामी गिरामी आदमी है, बरेली का सबसे टॉप कारीगर है। 450 रुपये के हैं 6 रील, मतलब ये हमारे पास जो मंजा जितना सस्ता होता है ना वो कहीं भी नहीं मिल पाएगा आपको, पूरे जयपुर शहर के अंदर भी नहीं मिलेगा। ये देखो ये बढ़िया के अंदर आ गया, ये असलम के आएगा मंजा स्पेशल में, ये 450 रुपये का है 12 रील में, मैदान वालों के लिए ये 1400 रुपये का चरखा है, पूरा 12000 गज मांझा होता है इसके अंदर। ओके मांझे में अगर चाहो तो ज़्यादा वो पांडे वगैरह बड़े पतंग उड़ाने के लिए होते हैं ना वो ले लो। ये देखो छोटे चरखे पे एक, वो बड़े चरखे पे दे दियो पांडा, हाँ यही तेरे बगल में, ये छोटे चरखे पे, ये मोटा मांझा होता है, चाहो जितनी हैवी पतंग उड़ा लो, इससे बड़ी से बड़ा साइज उड़ जाएगा आराम से। ये छोटा चरखा है 350 रुपये का, इसमें 3000 गज माल है और इसमें 6000 गज माल है। प्राइस
हाँ बहुत मोटा मांझा होता है इसके अंदर, ये 500 रुपए का चरखा पड़ेगा आपको। दोस्तों अभी हम जानेंगे जो कागज की पतंग है उसमें कौन कौन सी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। तो भैया आपका नाम बताइए पहले। मोहम्मद रहीम। मोहम्मद रहीम, तो रहीम भाई हमको बताने वाले सबसे पहले ये कितने रुपए की पतंग है? भैया ये है 140 रुपए की 100। 140 की 100, ये 1.40 रुपए की पड़ती है यहाँ से, और बंदर ले जाकर इसको 2-2.5 रुपए की बेच लेता। ओके, और इसके नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आने वाली है? नेक्स्ट में ये आती है रंगीन में, यही साइज होता है सेम, बिल्कुल यही साइज सेम, बिल्कुल सेम साइज होता है, लेकिन ये डिलक्स के पेपर पे होती है। अजंता अच्छा, पेपर बोलते हैं, क्वालिटी है वो पेपर की क्वालिटी होती है जो अजंता बोलते हैं ना उसको, अजंता पेपर है। प्राइस वापस से बता दीजिए। इसके 140 रुपए और इसके 160 रुपए कलरफुल में, और नेक्स्ट आएगी 180 रुपए में, 30.5 साइज होता है। अच्छा, टुक्कल में होती है, मतलब अलग अलग कलर होंगे इसके अंदर, 10-12 कलर होंगे। ये 30.5 साइज होती है, इसके 180 रुपए, 180 रुपए की। तो बंदा 1.80 रुपए की हमारे यहाँ से पड़ती है, और बंदा ले जाकर उसको 3 रुपए की आराम से बेच लेता। आप इनको रख दीजिए नीचे, और आपको जो नेक्स्ट एक ही होती है 27.5 साइज, 27.5। इसको अलग अलग पैटर्न आते हैं, इसको बोलते हैं गोलापान, डाई वाली गोलापान बोलते हैं। अच्छा, ये पड़ती है हमारे पास से 250 रुपए। और इसमें पैटर्न कितने मिल जाएंगे? अंदर पैटर्न मिल जाएंगे 15 पैटर्न, कम से कम 12-15 कलर आएंगे, पैटर्न अलग अलग आएंगे इसके अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको एक ही जो पतंग की वैरायटी में अलग अलग पैटर्न चाहिए, आपको कलर चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाला है। और नेक्स्ट बताइए सर हमें। नेक्स्ट ही आएगा, इसको बोलते हैं मिर्ची, मिर्ची जवा मिर्ची बोलते हैं इसको जी। ये पड़ती है 280 रुपए की 100। ओके, तो 2.80 रुपए की पड़ती है, बंदा 5-6 रुपए में इसको बेच लेता है रिटेल काउंटर पे। तो और बताइए हमें दूसरी। नेक्स्ट आइटम ही होता है बढ़िया, मल्टी स्टार में होता है, मल्टी स्टार होता है, मंजोला टुक्कल बोलते हैं इसको जी। ये पड़ती 280 रुपए की 100, 2.80 रुपए की पड़ती है, बंदा 5-6 रुपए की बेच लेता। सर ये कौन सी पतंग है? भैया इसको बोलते हैं मंजोला, ये है वो कानपुर का मंजोला, सीखे हुए कान ठड्डे पे आएगा बिल्कुल, और छिला हुआ कमान ठड्डा होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, देखो ये कमान है, सिकी हुई है, इसकी सिकाई की गई है, तो क्वालिटी बिल्कुल छिला हुआ कमान ठड्डा होगा। ये पड़ता है 300 रुपए, 300 रुपए 100 पड़ती है। अच्छा, 3 रुपए की एक पड़ती है, बंदा 5-6 रुपए की बेच लेता है रिटेल काउंटर पे, आराम से। प्रॉफिट भी है इसके अंदर काफी प्रॉफिट जी। नेक्स्ट बताइए सर। एक ही होती है जयपुर की लोकल पतंग, जयपुर की पतंग है ये भी मंजोला, ये पड़ता है 280 रुपए का जी। तो दोस्तों देख सकते हैं जयपुर की जो स्पेशल वैरायटी है वो भी आपको यहाँ हमारे अवेलेबल होगी। ये देखिए, अब नेक्स्ट बता दीजिए सर। पतंग सारी रहेगी जयपुर की, ये होती है मच्छी पेपर पे जी, ये गोल्डन पट्टे पे आएगी, ये पड़ेगी 300 रुपए, 300 रुपए की एक, 300 रुपए 100, 6 रुपए बिक्री है ये। और अगर कोई यहाँ से जयपुर से बाहर से भी मंगवाना चाहे तो आप ऑल इंडिया डिलीवरी है। तो दोस्तों आप अगर कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो अगर आपको यहाँ पे पतंगों के जो आपको वीडियो में दिखा रहे हैं वही माल मिलेगा आपको जी, बिल्कुल भी 1% होगा, डिफरेंस भी डिफरेंट नहीं होगा जी। तो नेक्स्ट बताइए। एक ही होता है मंजोला क्रॉस, मंजोला क्रॉस, मंजोला होता है क्रॉस में बिल्कुल सीधे हुए कवान ठड्डे पे होता है, ये भी छिला हुआ होता है, इसका पैटर्न ये देखो अलग अलग, इसके अंदर कम से कम 15 पैटर्न हो गए, ये भी आएगा क्रॉस भी आएगा मांग भी आएगा चेड़ा भी आएगा, ये भी पड़ता है 320 रुपए जी। और दूसरी बताइए। और एक मैदानी पतंग भी आती है, वो मैदानी भी दिखा देंगे, मैदानी भी है बहुत है, मतलब अवेलेबल। ये होती है मंजोल अद्दे की तुक्कल बोलते हैं इसको भी, हेवी कट में होती है, ये पड़ती 340 रुपए की 100। ओके, 3.40 रुपए की हमारे यहाँ से पड़ती है, बंदा 7-8 रुपए की आराम से बेच लेता है, इतना होता है बिल्कुल। जयपुर का फैंसी पतंग होता है, छिले हुए कवान ठड्डे पे होता है ये भी बिल्कुल, और ये भी 380 रुपए 100 पड़ता है। तो रही भाई, जैसे कि मैं आगे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, इसकी जो साइज है वो साइज बढ़ती जा रही है, जैसे आगे आगे बढ़ते जा रहे हो उससे साइज बढ़ती जा रही है, और रेटें भी बढ़ती जा रही है सेम। तो हमारे पास क्या है, एक से अधिक वैरायटी की हमें आपको पतंगें मिल जाएंगी, एक से एक वैरायटी मिल जाएगी हमारे यहाँ। और कोई अगर इस वीडियो को देख के आता है तो उसको कुछ स्पेशल डिस्काउंट आप प्रोवाइड करवाएंगे? 10% डिस्काउंट देंगे, 10%। तो दोस्तों यदि आपको आना है तो आप इसी दुकान पे, अगर आपको डिस्काउंट लेना है, अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर रेफर करके आते हैं कि इस वीडियो का रेफरेंस लेके आप यहाँ पे आते हैं, तो आपको सीधा 10% यहाँ पे ऑफ रहीम भाई हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इन भाई को भी दिखा दीजिए, शकील भाई, तो ये भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आपको डिस्काउंट चाहिए, शॉप के ऑनर हैं, तो आपको जब भी डिस्काउंट लेना हो या पतंगें खरीदनी हो तो आप इन सीधे दुकान पे चले आइए। किस बात की झगड़ाहट आप करने वाले हैं? ऑनलाइन भी हो जाती है हमारे डिलीवरी। और अब कौन सी आने वाली है? अब ये है अद्दे की तुक्कल, पौने की तुक्कल। ये अलग अलग डिजाइन आएंगे इसके अंदर, कम से कम 12-15 डिजाइन आएंगे। बोलते हैं अद्दा चार हाथ, इसके अंदर बंदे की मेहनत होती है, अलग अलग जुड़ाई होती है, मतलब चार बार जो करता है, जो ये पेपर अलग है, अलग वो अलग ये ज्वाइंट हुए जुड़ाई हुई भी, छपाई नहीं है, जुड़ाई हुई भी है, सब हाथ की कलाकारी है, अलग अलग। ये भी 400 रुपए पड़ता है,
400 की 100 पड़ती है। हमारे यहाँ से बंदा ले जाकर आराम से 7 रुपए 8 रुपए का बेच। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, एक बार नीचे वाली पतंग बताइए जो मल्टी कलर में थी। मल्टी कलर है वो, ये वाली देखिए। इसकी जो स्पेशलिटी पतंग है, इसमें पहले तो नाम बताइए इस पतंग का। अद्दा बोलते हैं, अद्दा। और इसकी खासियत है कि जो पेपर लगा हुआ है ये अलग अलग कट करके डिजाइन के हिसाब से और पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे लगाया गया। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सर। ये देखिए इसमें और भी डिजाइन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। आंखें भी आ जाएगी, बहुत डिजाइन है। 6-7 डिजाइन तो मैंने दिखा दिया अभी हाथ में। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 3-4 घंटे भी रुकता हूँ तो पतंगें खत्म नहीं होने वाली। बट मैं आपको वीडियो में सारी पतंगों के बारे में नहीं बता सकता। भैया इसको बोलते हैं आड़ी कट, बिल्कुल चील कट बोलते हैं इसको। ये आड़ी होती है, सेगावाटी साइड में ज़्यादा चलती है ये होती है। अलग अलग डिजाइन इसके, अलग अलग कलर मिल जाएंगे इसके अंदर। 12-15 कलर आएंगे। 27.5 इंच साइज होता है इसका। ये पड़ती है 220 रुपये से। और एक इसके अंदर गुठी भी आती है मच्छी पेपर पर, ये पड़ती है 250 रुपये से। वो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए शेयर और लाइक, ताकि जयपुर के बारे में आपको अनएक्सप्लोर कंटेंट मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलता रहे। आज हमने पतंगों का जो मार्केट है हांडीपुरा में आपको दिखाया है और कौन कौन सी टाइप के यहाँ पे पतंगे मिलने वाली, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि अभी आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी कर लीजिए फॉलो, MISTER_ जयपुर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। वहाँ पर मैं रॉ फुटेज जो होती है वो पोस्ट करता रहता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।